मेरी मौजूदगी जमशेदपुर के कोर्ट के बाहर है। एक मामला आया था मुहर्रम के 10वें के दिन, जहां आरोप लगा था कि एक युवक फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहा है, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई और आज उसे कोर्ट में पेश किया गया। बेल बॉन्ड पर उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। इस मामले को देख रहे अधिवक्ता हमारे बीच मौजूद हैं, उनके परिजन हैं, जेएमएम लीडर बाबर खान है, भीम आर्मी से मजहर खान भी हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ वकील साहब? इसमें पुलिस जो है, ये जानकारी मिली थी कि पुलिस ने उनको कल अरेस्ट किया है, अख्तर अली को। इस बीच में हमें इस केस में लॉयर के रूप में इंगेज किया गया और मैंने जब एफआईआर को देखा तो एफआईआर में जो भी बातें लिखी गई थी तो ऐसा कोई बात नहीं था। तो कोर्ट ने उन सभी बातों को, एलिगेशन को देखते हुए अख्तर अली को जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही साथ कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया और पुलिस के द्वारा जो भी धाराएं लगाई गई थी वो धाराएं इसमें जो धाराएं लगाई गई थी वो 223(2) और इसमें जो धारा थी तो A 223A 223B 292 और जो धाराएं लगाई गई थी वो सारे धाराएं जमानतीय थी। और पुलिस ने जो एक अलग से दिया था कि 196(1) पे देने के लिए, तो कोर्ट ने उसको अभी कुछ नहीं किया है और कोर्ट जो बताई है कि इसमें इसके खिलाफ में अभी कोई आरोप नहीं बनता है, इसलिए उसको जमानत पे मुक्त कर दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ झामुमो नेता बाबर खान भी। बाबर जी, इस केस को आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं, आज बेल बॉन्ड पर अंतरिम जमानत भी दे दी गई है। देखिए, माननीय न्यायालय का जो आज आदेश आया है, निश्चित रूप से हम तमाम लोग उसका स्वागत करते हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करेंगे जिला प्रशासन से कि जो कार्रवाई हुई है वो बहुत जल्दबाजी में हुई है और उसका नतीजा है कि आज न्यायालय ने भी इसको बहुत गंभीरता के साथ लिया है कि बिना केस के अनुसंधान किए आप तुरंत जो है उस नाबालिग बच्चे को जेल भेजने के प्रयास में लगे रहते हैं। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि आज खामोश है दरिया, आज खामोश है दरिया, मल्लाहों होशियार रहो, दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे बाबर खान और अधिवक्ता जो इस केस को देख रहे थे। तो यही खबर इस वक्त सामने निकल कर आई है कि जिस बच्चे की गिरफ्तारी हुई थी उसको अंतरिम जमानत दे दी गई है माननीय न्यायालय के द्वारा। तो आजादी पुटर के साथ बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको फैमिली संग अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब जमशेदपुर के मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड में हिंदुस्तान टावर के नीचे खुल चुका है तड़का पंच फैमिली रेस्टोरेंट। तड़का पंच में आपको इंडियन एंड चाइनीज फूड के कई डिशेस मिलेंगे, जिनमें सबसे खास दम बिरयानी है, वो भी रिजनेबल प्राइस में। रेस्टोरेंट का इंटीरियर आपके सहूलियत के अनुसार इतना शानदार बनाया गया है कि आप यहां परिवार संग हर खुशियों को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस रेस्टोरेंट में परिवार संग खुशियां बांटना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं तड़का पंच। पता मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड हिंदुस्तान टावर के नीचे।